आज आप लोगों को माननीय बहन जी द्वारा हमें कुछ दिशा निर्देश माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर, क्योंकि आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, सारे साथियों की चाहत थी, आग्रह था, हमने इनकी बात माननीय बहन जी तक भेजी, पहुंचाई माननीय बहन जी तक, और माननीय बहन जी ने हरी झंडी दे दी है और कहा कि आप सारे सम्मानित साथी जो हमारे माननीय विधायकगण हैं और भी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किसी कारणवश बहुजन समाज पार्टी से अलग हो गए थे, उन्हें बहुजन समाज पार्टी में सा सम्मान वापस किया जाए। और हमारे की गई है आज कितने लोग, आज लगभग हमने 6 लोगों की वापसी की है। माननीय हमारे पूर्व विधायक सम्मानित सतराम कुशवाहा जी जो माधोगढ़ के पूर्व MLA हैं, दूसरे हमारे विधायक सम्मानित छोटे सिंह जी जो कालपी के विधायक रह चुके हैं, हमारे सम्मानित अजय और पंकज जो कोंच विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते, और हमारे विजय चौधरी जो बहुजन समाज पार्टी के कई बार इस नगर से चेयरमैन रहे, नगर पालिका की उनकी माताजी रही, वो भी रहे, उन्हें भी आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जा रहा है। साथ ही अवधेश निरंजन जो पटेल जी हैं, जो बहुत ही पार्टी के जिम्मेवार साथी हैं, आज उन्हें भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जा रहा है। ऐसे 6 लोगों को, चुन्ना पाल जी जो बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, उन्हें भी आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या लोगों को प्रभारी बनाकर वहाँ पे BSP का कैंपेनिंग के लिए भेजा जाएगा? नहीं नहीं, प्रभारी का तो नहीं कहा, लेकिन माननीय बहन जी ने मुझसे ये कहा है कि जो हमारे माननीय विधायक हैं, इनको आप जो मध्य प्रदेश को जो जनपद जालौन और झांसी से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पर जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है, उन सीटों पर ये प्रचार प्रसार करें, पार्टी की बात को प्रत्याशियों के पक्ष में कैंपिंग करें। तो इन्हें माननीय बहन जी ने निर्देशित किया है, मुझसे कहा है कि इन्हें मध्य प्रदेश में चुनाव में लगाया जाए।